नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेके आए हैं मुगल वास्तुकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब बिना किसी देरी के अपन सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें बाबर के काल में निर्मित है? एक काबुलीबाग मस्जिद पानीपत, जामी मस्जिद संभल, आगरा का आराम बाग, दीन पनाह भवन दिल्ली, या बाबरी मस्जिद अयोध्या। एक से लगा के पांच तक, केवल एक, चार ऑप्शन। इसमें चार नंबर जो है दीन पनाह भवन दिल्ली, ये बना हुआ है हुमायूं के समय में। दीन पनाह जो नगर बनाया था हुमायूं ने, दीन पनाह का नगर बनाया था हुमायूं ने, उसमें ये है दीन पनाह भवन। ठीक है, बाकी सब बाबर के समय के है, तो इसका कौन सा हो जाएगा अपने आंसर? सी। ठीक है, काबुलीबाग मस्जिद और जामी मस्जिद, ये दोनों सैनिकों के लिए बनवाई थी, सैनिकों के लिए नमाज पढ़ने हेतु, सैनिकों के लिए बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, और बाबरी मस्जिद, ये वही मस्जिद जो मस्जिद तो तोड़ के अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो यही मस्जिद है बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद बनवाई थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने, मीर बाकी ने बनवाई। और आगरा का आराम बाग, ये भी बाबर के समय का है। तो ऐसे कुछ बागों का अगर आए, कौन सा बाग पहले बना हुआ है? जहांगीर के काल के कुछ बाग बाग बने हुए हैं, दिलकुशा बाग है, शालीमार बाग है। वैसे क्रम पूछे तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये जो बना हुआ है बाबर के समय का है, तो बाबर के समय का है तो ये पहले बना हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? फतेहपुर सीकरी अकबर के समय का बना हुआ है, पूरे जो अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। ये नगर का, नगर में बहुत सारे महल वगैरह बने हुए हैं, तो फतेहपुर सीकरी एक, तो ये याद रखना है किसके समय में, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, अकबर के समय। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मॉडल है वो मॉडल तैयार किया था, अब आपको इसमें कंफ्यूज हो गए, बहाउद्दीन जकारिया नहीं है ये, बहाउद्दीन अलग है, बहाउद्दीन जकारिया वो अलग है, बहाउद्दीन और मलिक मिर्जा गयास बेग, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां, ये सब ये इंजीनियर है उस टाइम के। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन ए सही है, फतेहपुर सीकरी का डिज़ाइन इसने तैयार किया था, और ये मलिक मिर्जा गयास बेग है, ये इसने, ये है हुमायूं के मकबरे का, हुमायूं का मकबरा जो है उसका है ये, और उस्ताद अहमद लाहौरी है, ये है ताजमहल, ताजमहल का इसने डिज़ाइन तैयार किया था, ताजमहल का डिज़ाइन, ताजमहल का डिज़ाइन इसने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, और ईसा खां के, इसके नेतृत्व में, ईसा खां के नेतृत्व में ताजमहल का निर्माण हुआ, ताजमहल का निर्माण हुआ। अब ताजमहल का निर्माण कब हुआ सबको पता है, शाहजहां के टाइम में हुआ है ताजमहल का निर्माण। ताजमहल किस टाइम, वो टाइम 1631, 1631 से फिर 22 साल इसमें जोड़ दो तो 1653, ये अवधि है इस टाइम वो ताजमहल बना। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में भी कुछ चीज़ें अपन याद रख कर, ये याद रखनी है अपने को कि ताजमहल में, मतलब ताजमहल की प्रेरणा कहाँ कहाँ से ली गई है, थोड़ा सा ताजमहल के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी है साथ में ही ले लेते हैं। ताजमहल के बारे में, मुमताज़ की याद में बनाया था वो, उस
तो सबको पता ही है, अर्जुमंद बानो उसका नाम था, मुमताज का ओरिजिनल नाम क्या था उसका? अर्जुमंद बानो बेगम। सब इसके जितने भी पुत्र थे शाहजहाँ के, वो सभी इसी एक ही बेगम के बेटे थे वो। और जो इसकी जो रोशन आरा, जहाँ आरा, ये जो भी ये पुत्रियाँ थी वो भी इसी की थी। तो सात मतलब चार बेटे और तीन बेटियाँ थी इससे। ठीक है, अब इसका जो डिज़ाइन किसने बनाया? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ। अब इसमें जो इसकी जो पितरादुरा है इस पे टेक्निक, तो पितरादुरा कहाँ से प्रेरित है? पितरादुरा इस पे प्रेरित है तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, एतमादुद्दौला के मकबरे से, एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित है। ठीक है, और जो इसका जो कब्र है, कब्र की जो जो स्टाइल है, वो कब्र का स्टाइल है होसंग शाह का मकबरा। होसंग शाह कहाँ का? मांडू का सुल्तान था, और उसका वहीं बना हुआ है मांडू। होसंग शाह के मकबरे से। और एक इसमें है इस्लामिक सादगी, एकदम सादगी है, सादगी की प्रेरणा है अकबर के मकबरे से। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, उससे इसकी सादगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला कौन है? एतमादुद्दौला का ओरिजिनल नाम है गयास बेग। ये थे नूरजहाँ के पिताजी, नूरजहाँ के पिताजी एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मकबरा बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और के बारे में भी इसने किसने बनवाया था वो अपने को पॉइंट याद रखना है। एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला ओरिजिनल नाम है मिर्ज़ा गयास बेग, गयास बेग, गयास बेग इसका नाम था। पर नूरजहाँ का पिता है, नूरजहाँ के पिता है जहांगीर के शासनकाल के अंत समय में, जहांगीर के शासनकाल के अंत समय में 1626 या 28 का जो समय था उस समय इसका निर्माण हुआ है। और उस समय किसने निर्माण कराया? उस समय जो पूरा शासन तंत्र जो था वो किसके नियंत्रण में आ गया था? नूरजहाँ। तो नूरजहाँ ने ही इसका निर्माण करवाया है, नूरजहाँ ने निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, नूरजहाँ ने निर्माण करवाया है। और इसका अपने जस्ट अगले प्रश्न में देखा है कि इस पे इससे प्रेरित थी पितरादुरा तकनीक ताजमहल में। ताजमहल बाद में बना है, ताजमहल किसके समय में बना? शाहजहाँ के समय में। और ये बना है जहांगीर के अंतिम समय में, तो ये पहले बना है। तो जो पितरादुरा का प्रथम प्रयोग जो है वो यहाँ किया गया है, पितरादुरा का प्रथम प्रयोग। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, और 2018 की आर एस मेन्स में स्पेशली पितरादुरा क्या है वो इसके बारे में पूछा हुआ था। तो ये क्या है? पत्थर पे पितरादुरा तकनीकी क्या है? पत्थर पर जवाहरत, बहुमूल्य पत्थरों का मतलब उसमें ये हीरे जवाहरात और धातु सोना चांदी, इनका जवाहरात और धातु की नक्काशी की जाती है, इसमें धातु को जड़ा जाता है। ठीक है, ये है पितरादुरा तकनीक।
सबसे पहला प्रयोग हुआ है अहमदउद्दौला के मकबरे में, और सबसे शानदार प्रयोग जो है वो है ताजमहल में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक ये ऑप्शन है सिकंदरा। सिकंदरा में किसका? सिकंदरा का भी एक ध्यान रखना है, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, यहाँ आया हुआ है अकबर का मकबरा। ठीक है चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को कलाविद पर्सी ब्राउन ने, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को कलाविद पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य का मोती कहा है, पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर कहा है? सलीम चिश्ती का मकबरा, हिरण मीनार, हवा महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी। अब ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं सब वहीं बने हुए हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर फतेहपुर सीकरी, राजस्थान के बॉर्डर पर है, यूपी में कहाँ है? यूपी में। ठीक है दोस्तों, अब ये तो सभी है, ये इसका तो सही आंसर हो गया अपने तुर्की सुल्ताना की कोठी जो है इसको कहा गया है। चलो तो अपन ये लगा देते हैं, तुर्की सुल्ताना की कोठी इसका सही उत्तर है। और ये चारों इमारतें हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में है या कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी की कौन कौन सी इमारत है इनके अलावा, ये चारों तो है ही है, इनके अलावा अपने को याद रखना है जोधा महल या जोधा बाई का महल। जोधा बाई कौन थी? जोधा बाई अकबर की महारानी थी, जयपुर की राजकुमारी थी, महाराजा भगवंत दास की बहन थी। तो जोधा बाई अकबर की रानी थी, तो अकबर ने उसका महल बनवाया वहाँ पे। अब बीरबल महल, बीरबल किसके समय था? बीरबल अकबर के समय था, तो बीरबल का महल भी वहीं बना हुआ है। दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास सब जगह बने हुए हैं, यहाँ पे भी है और लाल किले में भी है, आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो जामा मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, तो जामा मस्जिद लाल किले में नहीं बनी हुई है लेकिन यहाँ फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है जामा मस्जिद। ठीक है दोस्तों, और क्या बना हुआ है? एक है यहाँ पे पंचमहल। पंचमहल होता है महल के ऊपर महल, नीचे नीचे छोटा महल, नीचे बड़ा महल, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा हॉल। और ये जो स्टाइल है ये है बौद्ध वास्तुकला का स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है? बौद्ध वास्तुकला का, बौद्ध कला का स्टाइल है इसमें। तो इसमें क्या है, चारों तरफ बाउंड्री खुली होती है, तो इस पे जाके जैसे ये करवा चौथ वगैरह व्रत होते थे, ऐसे कोई भी हिंदू वहाँ पे, मतलब हिंदू भी रहती थी उनके हरम में, तो उस हिसाब से बनाया गया कि वो चांद के दर्शन करें या वहाँ मतलब प्रकृति का नज़ारा देखे, महिलाएं रानियां वगैरह, तो उसके लिए ये बना हुआ था, चारों तरफ से खुला हुआ था। पंचमहल वहीं बना हुआ है। एक मीना बाजार, मीना बाजार यहीं बना हुआ है। एक है ज्योतिष की बैठक, ज्योतिष की बैठक यहीं बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ज्योतिष की बैठक, बिरबल महल, जो मरियम का महल, एक मरियम का महल, मरियम का महल। ठीक है, एक गुजरात विजय के समय जो बनाया था यहाँ पे, वो गुजरात विजय के समय क्या बनाया था यहाँ पे? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा तो नाम ऐसे ही याद रखना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, ये सब यही है। एक यहाँ पे एक झील बनी हुई है फतेहपुर सीकरी में, वो भी याद रखनी है। फतेहपुर सीकरी में झील है, का नाम है अनूप तालाब, अनूप तालाब, ये भी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का कौन था वास्तुकार, फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? पहला प्रश्न यही था, बहाउद्दीन। ठीक है दोस्तों, अकबरी महल, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरी महल तथा जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ये है दोनों ऑप्शन, ए दिल्ली, बी आगरा,
सी फतेहपुर सीकरी अजमेर, अजमेर से तो इनका कोई लेना देना नहीं था। अजमेर में भी एक अकबर ने किला बनाया था। इसका सही आंसर है आगरा। अजमेर में कौन सा किला बनाया था अकबर ने? मैगजीन दुर्ग जो है, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग ये वही दुर्ग है जहाँ पे हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति तैयार की गई थी, मैगजीन दुर्ग में, हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? अजमेर में। बाकी सब इनकी जो मेन मेन जो इनके समय का है वो दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी, मुगल काल का जो भी है। तो आगरा के जो किला है, आगरा के किला में बहुत से महल बने हुए हैं, लेकिन उनमें से ये दो महल जो ये है, अकबरी महल और जहांगीरी महल, इन दो महल को बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये दोनों निश्चित रूप से मुगल काल के हैं। तो अब जहांगीरी महल की जो वास्तुकला है उसके ऊपर हिंदू कला का प्रभाव है, हिंदू वास्तुकला, हिंदू वास्तुकला का प्रभाव है। और उसमें भी कहाँ की? ग्वालियर की। ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर किला, उससे प्रभावित है। और अकबरी महल भी यही है। अकबरी महल कहाँ से प्रभावित है? ये बंगाल के स्थापत्य से प्रभावित है, बंगाल के स्थापत्य से प्रभावित हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 की ओर। मरियम उस जमाने का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पहले तो अपन एक बार इसको जान लेते हैं कि मरियम उस जमाने कौन है, मरियम उस जमाने कौन है, मरियम उस जमाने कौन थी? जोधाबाई कोई मरियम उस जमाने कहा गया है। तो जोधाबाई कौन थी? अकबर की रानी, अकबर की रानी थी। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। तो जहाँ पे अकबर का मकबरा है वहीं पे ही जोधाबाई का भी मकबरा है, दोनों पति पत्नी का, दोनों का मकबरा वहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई। और ये किसने बनवाया होगा? जोधाबाई की मृत्यु के बाद में बनवाया जहांगीर ने, जहांगीर के समय में बना है, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, ये जहांगीर के काल की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहांगीर कालीन इमारतों में से निम्नलिखित में से कौन सी लाहौर में स्थित नहीं है? अब सेम जोधाबाई का, मरियम उस जमाने का मकबरा कहाँ था? मरियम उस जमाने का मकबरा सिकंदरा में बताया था, क्योंकि सिकंदरा में अकबर का मकबरा था, उसी वजह से अकबर के पास में ही थी, रानी का मकबरा बनवाया। अब जहांगीर के काल में अब अनारकली का मकबरा, और अनारकली कौन थी? अनारकली जहांगीर की प्रेमिका थी। तो अनारकली का मकबरा और नूरजहां का मकबरा, नूरजहां का मकबरा भी यही है, नूरजहां का मकबरा भी ये भी लाहौर में है। और मुख्य बात जहांगीर का मकबरा भी वही है लाहौर में, जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में ही है। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, इसी वजह से उसकी प्रेमिका का और उसकी रानी का दोनों के मकबरे के पास में ही बनाए गए हैं, जहांगीर का मकबरा ये भी लाहौर में। ठीक दिलकुशा बाग ये भी लाहौर में, अनारकली का मकबरा ये भी, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये है दिल्ली में। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ है? ये है दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं आगे मैं की ओर। नहरे बिस्त कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर है दिल्ली में है। अब इसके बारे में, नहरे बिस्त के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। कहाँ जाने सातवीं दिल्ली बसाई थी? इस तरह दीनपना नगर हुमायूं ने बसाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बसाई थी, और पहले भी राय पिथौरा, पृथ्वीराज के समय में राय पिथौरा बसाई गई थी। तो इस तरीके से कुल 7 बार दिल्ली को बसाया गया है। दिल्ली में 7 नगर बनाए गए अलग अलग, उसमें से अंतिम सातवीं दिल्ली जो है वो किसने बसाई थी? सातवीं दिल्ली बसाई थी शाहजहां ने। शाहजहां ने इस नहर का, शाहजहां ने किस नाम से बसाई थी? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। इसी में क्या बना हुआ है? लाल किला। दिल्ली का जो लाल किला है, एक लाल किला, आगरा, आगरा किले को भी लाल किला कहते हैं, इसे भी लाल किला कहते हैं, ठीक है। शाहजहानाबाद जो है उसमें वो लाल किला है, और उस नगर में, उस नगर के बीचों बीच ये नहरे बिस्त बनाई गई थी। इसी शाहजहां नगर के बीच में नहरे बिस्त का निर्माण किया गया था। बिस्त इस आज जो चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक बाजार में ये मिलती है। चांदनी चौक, ठीक है, दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पे ही है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली के लाल किले की कौन सी इमारत का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था? तो दिल्ली के जो लाल किले में जितनी भी, जो भी मस्जिद, जो भी मीनारे हैं, सब मीनारों का निर्माण शाहजहां के समय में ही हुआ था। सिर्फ एक ये जो है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब धार्मिक व्यक्ति था, धर्म के प्रति थोड़ा, तो ये मोती मस्जिद जिसे इंग्लिश में कभी पर्ल मॉस्क भी लिखा आ जा सकता, पर्ल मॉस्क, ये मोती मस्जिद उसने बनाई। जामा मस्जिद उसमें नहीं है, जामा मस्जिद बाहर है। मुसम्मन बुर्ज नौबत खाना ये बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। नौबत खाना फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। और नौबत खाना क्या है? नौबत खाना नकार खाना भी जिसे कहते हैं। तो अकबर जो था, ये आपको कैसे याद रहेगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो अकबर जो था वो अकबर खुद एक अकबर नगाड़ा वादक था। अकबर क्या था? नगाड़ा वादक था, नगाड़ा या नक्कारा का वादक था, ठीक है दोस्तों। मुसम्मन बुर्ज कहाँ है? ये है आगरा के किले में, आगरा के, वो भी लाल किला ही है। जामा मस्जिद है दिल्ली में है, लेकिन ये वहाँ नहीं है, लाल किले में नहीं है, ये भी बाहर ही है। केवल इन मीनारों में से केवल मोती मस्जिद है जो वही वो लाल किले में है दिल्ली वाले, और ये किसने बनाई है? औरंगजेब ने बनवाई, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इमारत औरंगजेब के काल में नहीं बनी है? पहला ऑप्शन ए हीरा महल, हीरा महल दिल्ली, हीरा महल जो है ये ऑप्शन ए यही सही है। हीरा महल जो ये जो है ये औरंगजेब के समय का नहीं है, ये शाहजहां के समय का है, ठीक है। और बाकी बादशाही मस्जिद और ये सब, मोती मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद अपन ने देख लिया अभी जस्ट, और ये दिल्ली के लाल किले में बादशाही मस्जिद लाहौर, ये भी उसके समय की बनी है। रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, इसके बारे में कुछ प्रश्न आते रहते हैं।
इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। रबिया उद दुरानी का मकबरा, पहले तो ये है कहाँ, रबिया उद दुरानी के मकबरे के बारे में पॉइंट लिख रहा हूँ कुछ यहाँ पे। ये है औरंगाबाद। अब अपन देख रहे थे वहाँ शुरू से ही कि जहाँ पे राजा का मकबरा है वहीं पे उसकी रानी का मकबरा बना हुआ है। और ये थी कौन? रबिया उद दुरानी, ये औरंगजेब की रानी थी। और इसे इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और ये क्या है? ताजमहल के स्टाइल पर बनाया हुआ है, तो इसे ताजमहल की भद्दी प्रतिकृति, ताज की भद्दी प्रतिकृति, इंग्लिश में कहे तो पुअर रिपेलिका, पुअर रिपेलिका ऑफ ताजमहल। दूसरे का मकबरा, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में। और इसे एक और पॉइंट है कि इसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, दक्कन महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, ठीक है, और वहीं महाराष्ट्र में ही है ये औरंगाबाद। और औरंगाबाद में ही, औरंगाबाद का नाम ही औरंगजेब के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। और कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।